नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से यहाँ पर कॉल कर रहा है वरुण, वो भी काव्या को, कि यहाँ पर प्रीता जी को किडनैप कर लिया है और मुझे लग रहा है कि वो किडनैपर कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, ताकि काव्या वहाँ पर पहुँचे और काव्या को भी किडनैप कर लें। दोनों माँ और बेटी का किडनैप को लेकर इस समय सनसनी फैलती हुई नजर आई, क्योंकि वरुण ने एक नहीं बल्कि कई और तरीका से प्लानिंग रच रहा है। वरुण ने पहले ही बोल दिया था कि जो मैं करता हूँ मेरा खाया कभी भी बसता नहीं है, और उस तरीका से ही वाकई में वरुण गद्दारी करता है। गद्दारी करने में वरुण एक्सपर्ट है, और इस समय आप लोग जानते ही हैं कि वरुण को जल्दी ही एक्सपोज इस तरीका से किया जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। कहते हैं हर एक चीज़ के पीछे बेहद बड़ी सोच होती है, सोच छुप नहीं सकती किसी के छुपाने से, वही चीज़ होती हुई अब नज़र आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट दस्तक देगा दोस्तों, जहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा करण। करण बोलता हुआ नज़र आएगा राजवीर से कि प्रीता जी आग्र हैं कहाँ, क्योंकि प्रीता की वाकई में फिक्र है इस समय करण को, और करण उस चीज़ को अब देखता हुआ भी नज़र आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्द ही आप लोगों के लिए एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट दस्तक देगा दोस्तों, जिसमें साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा राजवीर कि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो जिसने किडनैप किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप लोग जानते हैं कि राजवीर अपनी माँ को लेकर इस समय बेहद ज़्यादा टेंशन में चल रहा है, और टेंशन में चलने के पीछे आप लोग जानते हैं कि एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी रीजंस देखने को मिल रहे हैं, जो इस समय आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।